सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ करके दंगा कराया, क्योंकि उनको पता है कि चुनाव आ गया है, किसी भी सवाल का जवाब जनता में नहीं दे सकते हैं, इसीलिए राजनीतिक लाभ लेने के लिए जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी ने दंगा कराया है। और जीरो टॉलरेंस की अगर बात थी तो आखिरकार पर्याप्त पुलिस क्यों नहीं थी, पर्याप्त प्रशासन का इंतजाम क्यों नहीं था, और जो जानकारी में था प्रशासन को उसके बावजूद भी नहीं किया कुछ भी। मुझे उम्मीद है कि न्यायालय से न्याय मिलेगा। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी बाई इलेक्शंस में किसको लड़ाएं, कैसे पीडीए का मुकाबला करें, पीडीए से घबराए हुए वो बैठे हुए हैं। पहले तो कभी कभी सुन भी लेते थे उनके मुंह से पीडीए, लेकिन इधर जो पीडीए की ताकत या पीडीए के लोग इकट्ठे हुए एकजुट हुए हैं, अब पीडीए कहना भी वो भूल गए हैं। और इसलिए भूल गए हैं कि पिछले जितने भी फैसले उनके हुए हैं और पूरा कार्यकाल उठा करके देख लें, सबसे ज्यादा भेदभाव, सबसे ज्यादा अन्याय, सबसे ज्यादा भेदभाव का शिकार अगर कोई हुआ है तो यही पीडीए परिवार के लोग हैं।